سبعين بعد الميلاد وكان أبوه من بني هاشم من قبيلة قريش بالرأي والتجارة ولما بلغ 25 سنة تزوج من سيدته ففي نسل الوليد على النبي صلى الله عليه وسلم في هران وعمره 40 عاما وكان ذلك من ليلة القدر من شهر رمضان قال الله تعالى إنا جزاك الله خيرا جزاء माहौल को साफ और शफाफ और आलूदगी से पाक रखने के लिए आज छत्र गुलकंगन के एक निजी स्कूल मॉडर्न पब्लिक स्कूल में शजरकारी मुहिम के तहत दर्जनों पौधे लगाए गए। पौधे लगाने की मुहिम का इफ्तिता मेहमान खसूसी मौली अब्दुल रशीद अमीनी ने किया। उनके हमरा इलाके के कई समाजी व सियासी लीडरान, स्कूल इंतजामिया और मुकामी लोग भी मौजूद रहे जिन्होंने इस नेक काम में हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूल के अहाते में मुख्तलिफ जगहों पर ये पौधे लगाए गए ताकि स्कूल का माहौल साफ और शफाफ रहे। वाज़ह रहे बरसती हुई बारिश के बावजूद भी मुकामी लोग वालिदैन उस्ताज़ साहिबान और तलबा व तालिबात में जोश व खरोश साफ नजर आ रहा था। मॉडर्न पब्लिक स्कूल के चेयरमैन ने कहा कि ये पौधे सैलाब का बास बनने से पहले तूफान के पानी को बघाने में मदद करते हैं और तवानाई के बचत का साया भी पेश करते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों को हवा से निकालने में भी मदद करते हैं। पेशे वैली ऑनलाइन के लिए बेग इरशाद की यह खसूसी रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत से खूबी वाकिफ़ है और मालूम भी है कि हम हर साल शजरकारी का एक दिन बनाते हैं, तो इसी सिलसिले में भी आज हमारी इस स्कूल मॉडर्न पब्लिक स्कूल छत्रगुल जो छत्रगुल में है वहाँ पर भी शजरकारी का एक अहम वो प्रोग्राम मुनाकिद किया गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी यही रहा है, सुन्नत रसूल भी है, शजरकारी उन्होंने खुद भी की है और उसका हुक्म भी दिया गया है। हम चाहते हैं और लोगों से यही सवाल करते हैं कि आप हर साल शजरकारी का इस दिन बनाएं। जैसा कि हम हर साल सालगिरह बनाते हैं, उस जगह अगर यही शजरकारी का दिन हम अपने घरों में पौधे लगाएँ, अपने जगहों में, अपने ज़मीनों में पौधे लगाएँ ताकि उससे दूसरों को फ़ायदा हो जाए, तो यही भी सदका जारिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली है, उन्होंने फरमाया जब कोई इंसान पौधा लगाता है, पौधा लगाने के बाद उससे कोई मेवा खा ले या कोई फ़ायदा हासिल कर ले तो उसको भी उसका सदका जारिया मिलता है। हम उम्मीद रखते हैं लोगों से और हाजिरों और नाजिरों और सामीन से कि वो इस पौधों के काम को आगे मज़ीद बढ़ाएंगे और हम उन असातिज़ा और इंतजामी कमेटी की भी मशकूर और ममनू हैं, साथ साथ वेली ऑनलाइन की भी मशकूर और ममनू हैं जिन्होंने इस बारिश के बावजूद भी तशरीफ़ लाकर हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत किए हैं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ सोहेल अहमद हजाम, आई एम फ्रॉम मॉडर्न पब्लिक स्कूल छत्रगुलकंगन। आज हमने अपने स्कूल में प्लांटेशन डे बनाया और हमें बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हर एक स्टूडेंट को एक प्लांट करने का मौका मिला और हमें बहुत ही खुशी हुई ताकि हमें आगे जाके और मौके मिले ये इन प्लांट्स को प्लांट करने का। हमें बहुत ही अच्छा लगा। हम अपने उस्तादिजा के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया प्लांट्स करने के। हम चाहते हैं कि आगे जाके हमारे स्कूल में और भी ऐसे मौके मिले हमें प्लांट करने के। माई नेम इज़ मोहसना शौकत, I am from Modern Public School Chaturgul. I read in 8th standard. आज हमारे स्कूल में प्लांटेशन का प्रोग्राम हुआ, सबको मौका मिलना भी चाहिए सबको मौका कि वो अपनी काबिलियत बयान करे इन प्रोग्राम्स में। मैं चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम्स हर किसी स्कूल में अंजाम दिए जाए। ये प्रोग्राम था प्लांटेशन के बारे में, हमें प्लांट्स बहुत ग्रो करने चाहिए। मेरी राय यही है कि प्लांटेशन के बारे में कि इफ़ वी सेव अ प्लांट वी सेव अ लाइफ, इफ़ वी प्लांट अ ट्री वी प्लांट अ लाइफ।